जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। देखिए, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं, चाहे आप मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र हैं या 8वीं 9वीं 11वीं के छात्र हैं, तो आप सभी छात्रों के लिए जैक बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है दोस्तों। यह अपडेट जो है कहीं ना कहीं आपको शौक देने वाली है, क्योंकि इस अपडेट में यह बताया गया है कि 8वीं 9वीं 11वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर लगभग 13 लाख विद्यार्थी पर जो है सवाल खड़ी हो रही है। 13 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अभी दांव पर है, क्योंकि उसका जो है पिछले वर्ष भी परीक्षाएं नहीं हुई है, उनको पिछले बार भी प्रमोट किया गया था। तो ऐसे में उन बच्चों का अभी क्या होगा, उनको लेकर क्या जैक बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथ ही दोस्तों, मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको लेकर जैक के अध्यक्ष ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, देखो यहां पे बताया गया है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए 13 लाख बच्चे मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, लगभग 13 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अपनी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी जो है परीक्षाएं कब तक आयोजित की जाएगी, हमारा एग्जाम कब तक कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, उसके बाद उसकी जो है परीक्षाएं संचालित होने वाली है। दोस्तों यहां पे आगे देखिए बताया गया है कि 13 लाख बच्चों का भविष्य लगा है दांव पर, पिछली बार भी नहीं हो सकी थी परीक्षा। देखिए, पिछली वर्ष तो कोविड के कारण से आपकी परीक्षाएं को टाल दिया गया था और आपको जो है प्रमोशन कर दिया गया था, आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष जो है 13 लाख विद्यार्थियों पर पूरी तरह से सवाल खड़ी हो रही है, क्योंकि इस बार का जो कोविड का केस है वो तो काफी ज्यादा डाउन है और इस बार प्रमोट करने का कोई भी जैक के पास आधार नहीं है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव किए हैं। विभाग द्वारा पहले ही जारी किया गया था कि परीक्षा जून तक आयोजित की जा सकती है, लेकिन अभी तक परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई तैयारी नहीं हो पाई है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि जैक बोर्ड भी पूरी तरह से उलझ चुकी है, क्योंकि वो तो है पूरी मैट्रिक इंटरमीडिएट की तैयारी में लगा हुआ है, उनकी परीक्षा कराने को लेकर तैयारी में है, लेकिन यहाँ पे 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा को लेकर कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं हुई है और ना ही इसको लेकर कोई भी मीटिंग हो पाई है। देखिए आगे बताया गया है कि काउंसिल पूरी तरह से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगर इस बार भी कोरोना का असर जून तक दिखा तो इन कक्षाओं की परीक्षा फिर दूसरे वर्ष आयोजित नहीं हो पाएगी। इन कक्षाओं के परीक्षा आयोजन को लेकर अभी भी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो बताते हैं कि इस बार 8वीं 9वीं और 11वीं की कक्षा की परीक्षा को लेकर दोगुना दबाव बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का सब्जेक्टिव वाला जो अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ कि उसका दोनों टर्म का एक साथ लिया जाएगा, बच्चों पर दबाव पड़ा, और ठीक उसी प्रकार हो ना हो कि 8वीं 9वीं 11वीं वालों का भी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि अचानक अगर मान के चलिए एग्जाम डेट निर्धारित कर देता है तो बच्चों के पास समय नहीं बचेगा एग्जाम की तैयारी को लेकर। जो भी अभी पढ़ रही है, जो भी पढ़ रहे हैं, वो तो खुद से तैयारी कर रहा है, अपने से सेल्फ स्टडी करके जो है तैयारी कर रहा है, अभी तक जो है उसकी कुछ भी तैयारी नहीं हो पा रहा है, और अचानक एक ही बार निर्धारित कर देता है तो बच्चे बौखला जाएंगे, बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या करें। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि यह पहला मौका होगा कि इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा और मार्कशीट के साथ साथ थ्योरी पेपर के साथ बच्चों को देना होगा। यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जिस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से एग्जाम आयोजित होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और मार्कशीट पर भी और लिखित वाला, दोनों तरीके से एग्जाम से लिया जाएगा, तो उसी प्रकार से ठीक 8वीं 9वीं 11वीं वालों का एग्जाम्स कंडक्ट होने वाला है। यानी कि 8वीं 9वीं 11वीं वालों का जो एग्जाम्स होगा वो मार्कशीट पर भी होगा और थ्योरी में होगा और लिखित में एग्जाम से लिया जाएगा। देखिए आगे क्या बताया गया कि अभी तक सिर्फ मार्कशीट पर ही परीक्षा आयोजित की गई थी। यानी कि पहले से देखें, यानी कि इस साल के अलावा देखें, पिछले वर्ष भी आप देखे होंगे, उससे एक साल
साल पहले भी देखे होंगे कि 8वीं 9वीं 11वीं वालों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स लिया जाता था, थ्योरी में जो है कोई एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होता था। ठीक है, तो देखिए ऐसे में समस्या और बच्चों के साथ आने वाली है, बढ़ सकती है समस्या। आगे बताया गया कि उन्होंने बताया है कि पहले बोर्ड की परीक्षा आयोजन के बाद दूसरी ओर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि पहले मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर संचालित हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा पर ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि परीक्षा की तैयारी नहीं है पूरी, असमंजस में छात्र। देखिए छात्र को जाहिर सी बात है कि परीक्षा को लेकर डेट निर्धारित नहीं है, परीक्षा को लेकर ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना ही जैक बोर्ड की तरफ से जो है कुछ अपडेट जारी किया गया है कि 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा कब तक लिया जाएगा। सिर्फ ये अनुमान के रूप में बताया गया है कि जून तक में आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। देखिए 8वीं 9वीं और 11वीं इसकी जो परीक्षाएं हैं वो दोनों टर्म का एक ही साथ अगर ले लिया जाता है तो बच्चों को पहले दे दिया जाना चाहिए ना कि नोटिफिकेशन इस तरीके से आपका कंडक्ट होगा, ये ऐसा एग्जाम्स लिया जाएगा, इस तारीख में आपका एग्जाम्स होगा, यानी कि इस महीने में जून में होगा तो कब तक होगा, ये सारी चीज बता देनी चाहिए। लेकिन अचानक इस तरीके से बता दिया जाता है तो दबाव तो बच्चों पर पड़ेगा और इससे क्या होगा कि बच्चे जो है काफी ज्यादा तनाव में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, भले ही विभाग की ओर से 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि प्रकाशित कर दी गई है, लेकिन अभी तक तैयारी को देखकर परीक्षा के समय पर आयोजन को लेकर सवाल उठ रहा है कि राज्य के करीब 13 लाख बच्चों की परीक्षा का इंतजार में ताकि उनका मूल्यांकन हो सके, कोरोना संक्रमण ने सभी चीज़ों को पहले से ही प्रभावित किया है जिसमें छात्रों की पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। ये तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। मैं खुद देखता हूँ कि 8वीं 9वीं 11वीं के बच्चे जो है अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, वो खुद अपने सिलेबस के आधार पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि दोनों टर्म की परीक्षा अगर एक साथ लिया जाता है तो बच्चों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए 8वीं 9वीं 11वीं की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी, दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, यानी कि पहला जो टर्म है ऑब्जेक्टिव उसमें 40 सवाल होगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा, फुल मार्क 40 का रहेगा, और सब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा वो फुल मार्क 40 का होगा, जिसमें कि आपका शॉर्ट टाइप के आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, लॉन्ग टाइप के आंसर, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही बार जो है 8वीं 9वीं 11वीं वालों का एग्जाम्स होगा। देखिए आगे क्या बताया गया कि जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेज के स्तर पर किया जाएगा, प्रथम चरण की परीक्षा मार्कशीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये तो आपका पैटर्न बता दिया गया, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये बताई गई है कि जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं या भर सके हैं तो उसको लेकर जैक के जो चेयरमैन है डॉक्टर अनिल कुमार सर, ठीक है, उनके द्वारा जो एक बहुत ही बड़ा बयान जारी हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं कंपार्टमेंटल की परीक्षा में जुट जाएं। देखिए जो छात्र अभी परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं वो सीधा जो है अब कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल होंगे। देखिए क्या बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित की है। 4 बार जो है तिथि बढ़ाए जाने के बाद कोई छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं तो प्रतिदिन जैक कार्यालय 20 से 25 ऐसे छात्रों के आवेदन आ रहे हैं जिन्होंने सूचना नहीं मिलने या फिर ऑनलाइन असुविधा होने के कारण से जो है परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। हालांकि इस संबंध में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो कहते हैं कि आवेदन तो आ रहे हैं लेकिन अब क्या किया जा सकता है कि 4 बार परीक्षा फॉर्म तिथि बढ़ाने के बाद भी अभिभावक और छात्र सचेत ना हुए, तो ऐसे में उनके पास अब सिर्फ कंपार्टमेंटल परीक्षा का ही विकल्प बचा है, इसलिए वे अभी से ही कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएं ताकि उनका समय बर्बाद ना हो सके। यानी दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो भी छात्र चाहे वो मैट्रिक के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, अगर आप अपनी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे तो आपको एक ही विकल्प है, सिर्फ आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि अब आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपके पास एक ही मौका है, कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर आप अपना नंबर जो है बूस्ट करा सकते हैं या अपना रिजल्ट जो है बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि जैक के अध्यक्ष ने का कहना है कि इसके अलावा माध्यमा बोर्ड की माध्यम से भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा
फॉर्म भरने से सीधे तौर पर ये लापरवाही बरती है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जैक बोर्ड जो है पूरी तरह से उलझ चुकी है कि अब बच्चों का क्या करें, 13 लाख बच्चे जो 8वीं 9वीं 11वीं के हैं उनकी एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट कराएं, और जो छात्र मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा फॉर्म जो है नहीं भर पाए हैं उनके पास अब मात्र एक ही विकल्प बचा है कि वह जो छात्र अब कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल हो सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको दिक्कतें हो रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है, आप वहां पर भर भर के कमेंट कीजिए, मैं आपको लगातार जवाब दे रहा हूं और आपकी जो है सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और दोस्तों आप हमें यह भी बताइएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।